हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं योनो SBI एम पिन भूल गए तो कैसे पता करें। जिसे अगर आप अपना योनो SBI ऐप में लॉगिन करने जाएंगे तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आपको जो है एम पिन डालने के लिए बोला जा रहा है। अब जैसे यहां पर हम अपना एम पिन डालते हैं तो दोस्तों यहां पर देखेंगे कि हमारा जो है योनो SBI ऐप ओपन नहीं हो रहा है, यहां पर गलत एम पिन बता रहा है और बैंक की तरफ से मैसेज भी आ जा रहा है कि मैंने जो है गलत एम पिन डाल दिया है, अब यहां पर मुझे एक नया एम पिन सेट करना होगा। यहां पर बोला जा रहा है इनकोरेक्ट एम पिन, यू हैव टू अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। यहाँ पर अगर हम दो बार और गलत एम पिन डाल देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारा योनो SBI ऐप ब्लॉक हो जाएगा, हम यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर अपना एम पिन भूल गए, अगर आपका भी योनो SBI ऐप ओपन नहीं हो रहा है एम पिन डालने के बाद, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना योनो SBI ऐप को ओपन कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर आप अपना एम पिन डाल रहे होंगे, आपका एम पिन गलत बता रहा है तो आपको अपना नया एम पिन सेट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है लॉग इन यूजिंग यूजर नेम, आपको क्या करना है लॉग इन यूजिंग यूजर नेम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। जिस यूजर नेम और पासवर्ड को डाल करके आपने योनो SBI ऐप में रजिस्टर किया था, लेकिन अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है, भूल गए कैसे पता करेंगे, मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डाल दिया है, उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है योनो SBI ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको योनो SBI का एम पिन को रीसेट करना है, यानी नया एम पिन सेट करना है। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट का, तो आपको क्या करना है सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स का, तो आपको क्या करना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है देख सकते हैं सेट एम पिन का, तो आपको क्या करना है सेट एम पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप सेट एम पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर कंसेंट आ जाएगा, देख सकते हैं, चाहे तो आप इसे रीड कर सकते हैं, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जिसे यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेट एम पिन, सेट अ परमानेंट एम पिन ऑफ योर च्वाइस फॉर योर अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक 6 डिजिट का एम पिन सेट कर लेना है, जो भी आप अपना एम पिन बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आप एम पिन डालेंगे उसी एम पिन को आपको दोबारा से री एंटर कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप ऊपर में एम पिन डालेंगे उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। अब एम पिन डालने के बाद एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा OTP आ चुका है, जिस OTP को हम यहाँ पर डाल देते हैं। OTP डालने के बाद एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसे आप नेक्स्ट करें उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन लिखा जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एम पिन, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका योनो SBI का एक नया एम पिन सेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोबारा से दोस्तों यहाँ पर आपको अपना योनो SBI ऐप को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों जो अभी आपने एम पिन सेट किया था उस एम पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए यहाँ पर हम अपना एम पिन डाल देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप एम पिन डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है योनो SBI ऐप ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप जो योनो SBI का एम पिन रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।